गरम फ्रेंच फ्राइज तैयार हो रही है, और चिकन कढ़ाई भी है वो रेडी होने वाली है अभी। अस्सलाम वालेकुम, आज फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग के साथ हम अपना व्लॉग जो है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। और अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, और आज जो है हमने जाना है स्कर्डू में पॉइंट्स के ऊपर, तो पहले हम ब्रेकफास्ट कर लें। फाइनली जो है ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, अब हमें ये कार्ड जो है ये स्कर्डू में कयाम रिसोर्ट वालों ने हमें दिया है। इस कार्ड में जो है स्कर्डू के सारे पॉइंट्स जो है वो मेंशन हुए हैं। अब इनमें से हम किसी एक दो पॉइंट्स में हम जाएंगे, तो अब हम निकलते हैं, तैयारी करते हैं। फाइनली जो है हम निकल चुके हैं, इस वक्त हम रास्ते में हैं। अगर देखा जाए तो खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, उनके ऊपर बादल छाए हुए हैं, इतना खूबसूरत मंज़र है। और आप यहाँ की सफाई अगर की बात की जाए तो आप देखें कितने नीट एंड क्लीन रोड बने हुए हैं, और इतना प्यारा एनवायरनमेंट है, और इतने प्यारे नज़ारे हैं, और इतने साफ़ सुथरे रोड्स के ऊपर जो है अगर हम सफ़र करें तो आपको पता है कि एक मज़ा ही अलग हो जाता है। कोई वो नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरे रोड है, और सर्दी भी काफ़ी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, एक अलग ही एनवायरनमेंट है। फर्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं शिखर वैली पे, तो शिखर वैली का रास्ता मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा, और पहुंच के फिर वहां से आप सब कंटिन्यू करता हूं। अब हम अपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचने वाले हैं, और अगर देखा जाए तो ये सामने शंग्रीला का व्यू मैं आपको दिखाता हूं। ये शंग्रीला रिज़ॉर्ट जो बना हुआ है, ये इसका व्यू है, सामने से आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा मंज़र है यहां से इसका। और अब हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पहुँच के हम आपको फर्स्ट पॉइंट जो हमारा वो दिखाते हैं। और शंग्रीला भी एक पॉइंट है, जैसे आपको मैंने सामने दिखाया, ये सारा शंग्रीला बना हुआ है। अम्मा क्या करता है तुम यार, रास्ता तो दो हमारे को यार। फाइनली हम अपने पॉइंट के ऊपर पहुंच गए हैं, जहां हमने फर्स्ट पॉइंट पर पहुंचना था। मैंने आपको बताया था कि हम अपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं। ये शिगार वैली है, इंतहाई खूबसूरत स्कर्डू की ये वैली है, और काफ़ी हाइट के ऊपर है। इस वक्त हम काफ़ी हाइट पर हैं, और यहां पे सामने जो है मैं आपको दिखाता चलूँ, ये बॉन फायर चल रहा है इस वक्त, और इतनी सर्दी है इसकी वजह से हमने बॉन फायर इनसे जो है ये उसकी सर्विस अवेल करवाई है, क्योंकि बॉन फायर इस वक्त यहाँ पे अवेलेबल था, मगर इस वक्त ये मतलब ऑन नहीं था, मगर ये हमने इनसे सर्विस इस वक्त ऑन करवाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सख्त सर्दी है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि बार बार जो है ये बॉन फायर जो है वो उसको जलाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए बार बार उसको जलाया जाता है, क्योंकि सर्दी और हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पर।
फाइनली बॉन फायर जो है ख़त्म हो गई है और पकौड़े चाय वगैरह हमने पी ली यहाँ पर, बहुत मज़ा आया। गर्म गर्म पकौड़े थे, चाय थी यहाँ पर, बहुत इन्जॉय किया। फिश भी भाई लेकर आए थे हमारे लिए। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और फिर मिलते हैं। अब हम यहाँ से निकल गए हैं और अब हम जो है अपने सेकंड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और ये हमारे इम्तियाज़ भाई हैं, ये ड्राइवर जो हमारे साथ हर वक्त हमारे साथ इस टूर में रहे हैं और अभी हमारे साथ हैं ये, और इनका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूँगा, तो स्कैडू आपको आना हो तो इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। और इसके अलावा अभी देखा जाए तो बारिश का मौसम भी बनना शुरू हो गया है और देखते हैं, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है बारिश हो जाए। और चले हम चलते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ और आपको रास्ते भी दिखाते हुए चलें। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर और मैंने आपको बताया था कि बारिश का चांस है और बारिश जो है वो हल्की हल्की शुरू हो चुकी है और रोडों पे जो है फिसलन जो है वो काफ़ी हो गई है इस वक्त। ये आप देख सकते हैं सामने रोड है, पूरा मेन रोड ये चल रहा है और यहाँ से लोग स्कर्डूज आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सामने जो है ये टूर की बस जा रही है और इसी तरह काफ़ी लोग जो है यहाँ स्कर्डू पहुँचे हुए भी हैं और वापस भी जा रहे हैं। और अगर देखा जाए, मैंने आपको बताया था एक VIP सेटअप जो है यहाँ पे लगा हुआ है जिसको मैंने आपको दिखाना है, तो आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे VIP सेटअप है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसके अलावा अगर बात की जाए वेदर की ऊपर पहाड़ों की, तो पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है। सांप यहाँ मौजूद है? नहीं नहीं, नकली का है सांप ये तो। ठीक ठाक बारिश हो चुकी है, बहुत तेज़ बारिश हुई है इस स्कर्डू में। और इस वक्त जो है हम पशु वैली के पास हैं और देखा जाए ठीक ठाक ठंड है और यहाँ पे भी VIP सेटअप है और ये हमारा टेंट है, इसके अंदर हमने खाना भी ऑर्डर किया है, फ्रेंच फ्राइज वगैरह और चिकन कढ़ाई और इसके अलावा जो है छोले बना रहे हैं, फ्रेश छोले बन रहे हैं। फिर मैं आपको किचन की तरफ लेके चलता हूँ उनके, और ये सारे हट बने हुए और ये शायद वॉशरूम एरिया है यहाँ पे। ये क्या बना हुआ देखते हैं, यह रोटी पकाने का इंतज़ाम है पूरा। और देखा जाए तो काफ़ी ठंड है, बहुत सर्दी बढ़ गई है क्योंकि इस वक्त जो है बारिश हुई है। अस्सलाम वालेकुम, आराम कर रहे भाई मामा? ये फ्रेश खाना रेडी हो रहा है यहाँ पर भाई। यार फ्रेंच फ्राइज ज्यादा बनाइएगा क्योंकि हाँ। हम लोग फ्रेंच फ्राइज के बहुत शौकीन हैं। तो फ्रेंच फ्राइज जो है ना वो आपने ज्यादा बनानी है। हाँ, अच्छी खासी फ्रेंच फ्राइज बनाई है, कम से कम 3 प्लेटें बनाई है, 3 प्लेटें। तीन प्लेटें अलग अलग बनाई है। अच्छा, ठीक है। और लाल सुरख करके लेके आएगा, मेरे पास रोटी जो है ना तवे को होगा, ठीक है? हाँ, मसला नहीं है, तवे वाला होगा, तंदूर नहीं चला है। मसला नहीं है, तवे वाला तो अच्छी बात है। और लाल सुरख करके लेके आएगा, सुरख करके आएगा। देख ले भाई, VIP सेटअप है यार, VIP फ्रेश चीज बन रही है, हर चीज फ्रेश बन रही है।
बहुत ज़बरदस्त वेदर है यहाँ का इस वक्त, जन्नत से कम नहीं है इस वक्त। गरम गरम फ्रेंच फ्राइज तैयार हो रही है और चिकन कढ़ाई भी है वो रेडी होने वाली है, अभी काफ़ी टाइम लगेगा। फाइनली फ्रेंच फ्राइज तो हमने खा ली, अब देखते हैं कि कढ़ाई की क्या पोजीशन है, और कढ़ाई जाके चेक करते हैं। देखा जाए तो फुल बर्फबारी ऊपर हुई भी है पहाड़ों के ऊपर, और बहुत सारा मौसम है, बहुत ज़बरदस्त वेदर है। देखा जाए आप देख सकते हैं चले चलते हैं अंदर की तरफ। क्या पोजीशन है कढ़ाई की, दिखाएं कढ़ाई दिखाएं। रोटी पक गई है, रोटी पक रही है ताजी ताजी। वाह जबरदस्त 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 जबरदस्त। कंट्रोल कंट्रोल। फाइनली हम यहाँ से हम निकल रहे हैं क्योंकि बारिश दोबारा शुरू हो गई है, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।